चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700-49-75। सिवान में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के प्राचार्य प्रजापति त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप डीएवी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल बीपीएन पाठक ने लगाए हैं। बीपीएन पाठक ने मीडिया को बताया कि प्रजापति त्रिपाठी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के मेंबर नहीं हैं और अपनी गाड़ी पर मेंबर का बोर्ड लगाकर चलते हैं। बीपीएन पाठक ने यह भी बताया कि इसके बारे में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मैंने उनको अवगत कराया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को, साथ ही सिविल सर्जन को भी जाँच करने के लिए डीएम ने आदेश दिया है। इसके साथ ही बीपीएन पाठक ने एडमिशन में पैसे का लेन देन, अपने पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार जैसे कई आरोप आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य प्रजापति त्रिपाठी पर लगाए हैं। जब इस बारे में मीडिया ने आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी से बात किया तो प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी ने साफ तौर पर कहा कि अभी हमारे पास इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, न ही पत्र आया है। जब पत्र आएगा तो मैं अपने बोर्ड पर एक्स मेंबर का बोर्ड लगाऊंगा। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत एवं निराधार बताया और बीपीएन पाठक पर मानहानि का केस दर्ज करने की बातें कही। बहरहाल मामला कुछ भी हो यह जांच का विषय है, लेकिन अगर बीपीएन पाठक द्वारा आरोप लगाया जा रहा है तो इसकी सत्यता की भी जांच होनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं बीपीएन पाठक ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और उसके जवाब प्रजापति त्रिपाठी ने क्या क्या दिए हैं। मामला यह है कि मैं उस कॉलेज का जब सेक्रेटरी बना तो हमें जानकारी मिली कि प्राचार्य बहुत सा घापला कर रहे हैं, शिक्षकों के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, स्वयं बिना एमडी किए पीएचडी की उपाधि ले लिए हैं। इन तमाम बातों के संबंध में हम पूछताछ इनसे करते रहे, लिखित भी मौखिक भी, लेकिन ये प्रनाइव करते रहे, गलत जवाब देते रहे, एडमिशन में लड़कों से लाखों रुपया वसूलते रहे। तो हमने इस पर ब्रेक लगाया, हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब हमारी चिट्ठी भी लेना इन्होंने इनकार करने लगे, रजिस्टर चिट्ठी जब भेजते थे इनको सोकोच का, उसको भी लौटा देते थे, तब मजबूर होकर इनको हमको शासी निकाय की आज्ञा की प्रत्याशा में मैंने इनको निलंबित किया, विश्वविद्यालय को लिखा, विश्वविद्यालय ने इनको इनकी जगह पर डॉक्टर आर एम पांडे को प्रभारी प्राचार्य बनाया और जांच समिति बनाई, तीन आदमी की जांच समिति बनाई। जांच समिति में दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, एक सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल थे मुजफ्फरपुर के, एक वहां के यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार थे। इन सब लोगों ने 700 पन्ने का रिपोर्ट सबमिट किया और रिपोर्ट में प्रत्येक बिंदु पर प्राचार्य को लगभग दोषी पाया, सेक्रेटरी को दोषी बहुत कम पॉइंट पर पाया, उन्हीं को दोषी पाया। और रिपोर्ट में लिखा कि ये दोषी हैं, सेक्रेटरी की बात तो मानते ही नहीं, समिति की बात भी नहीं मानते, कुलपति की बात भी नहीं मानते, ये तो गवर्नर साहब की बात भी नहीं मानते हैं, ये रिपोर्ट में दर्ज है। कहिए तो मैं आपको दिखा दूं, ये रिपोर्ट पर दर्ज है। प्रिंसिपल साहब ने विश्वविद्यालय से मिलकर साठ गांठ करके उस रिपोर्ट को दबवा कर रख दिया है और विश्वविद्यालय से एक प्रस्ताव पारित करा दिया है कि इसको बंद कर दिया जाए, माने इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो। चांसलर के यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है, अब तक मामला उन्हीं के यहाँ विचाराधीन है। ये सीसीआईएम के मेंबर थे, ये मेंबर थे फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में बूथ लूट, बैलेट पेपर पाए गए पटना में और सीसीआईएम ने उसको इलेक्शन को एक तरह से रद्द कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ये गलत है, इनवैलिड कर दिया उसको। ये लोग गए अपील में, अपील में भी नहीं माना, लेकिन ये अपने को इसके बावजूद सेकंड टर्म में उसका मेंबर
मानते रहे और गाड़ी में ये उसका मोनोग्राम लगा कर जो है ये चलाते रहे, अभी भी चला रहे हैं कि मैं CCIM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष डिपार्टमेंट का मैं आदरणीय सदस्य हूँ, माननीय सदस्य हूँ। लोगों को झांसा देते हैं, उसका आई कार्ड दिखाते हैं और पूरे बिहार में भ्रमण करते हैं। एक आरोप आपने ये लगाया कि सिवान के दो विधायक जो पूर्व विधायक थे उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत भी की थी, कौन कौन से विधायक थे? जी सिवान के दो नहीं, सिवान के 3-4 विधायकों ने इनके खिलाफ लिखा, इनके खिलाफ DM को लिखा जांच करने के लिए। इसमें थे आपको श्याम बहादुर सिंह, माननीय पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जी थे, रमेश कुशवाहा थे जो जीरादेही के विधायक थे, ये वहाँ के जी महाराजगंज के थे, हेम नारायण शाह जी थे, ये लोग थे, इन लोगों ने इनके खिलाफ लिखा। सर्टिफिकेट पे भी अपने जालसाजी का आरोप लगाया है, क्या मामला है? सर्टिफिकेट में हमने जालसाजी का आरोप यह लगाया है कि बिना MD किए कोई PhD नहीं कर सकता है, और जब विश्वविद्यालय से हमने राइट टू इंफॉर्मेशन में मांगा कि क्या ऐसा कोई कानून है, तो विश्वविद्यालय में लिखा कि हाँ सेक्शन 1(b) में यह नियम है कि हम उनको दे सकते हैं PhD की उपाधि, जबकि विश्वविद्यालय अधिनियम कहिए तो मैं आपको रख लूं, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही की जाती है, लड़कों ने दोबारे जो है लिख के दिया था DM सिवान को, अभी 2-3 साल पहले की बात है, उसकी जांच भी बैठाई गई थी, CS साहब को जांच दी गई थी इस मामले में भी, उन्होंने डॉक्टर्स की टीम बनाई थी, लेकिन डॉक्टर्स की टीम को खरीद लिया गया और उस लड़के को दबाव देकर हटा दिया गया, वो रिपोर्ट वही की वही ठंडे बक्से में पड़ी रही। तो आपने भी तो DM को आवेदन दिया है, क्या कार्रवाई हुई? DM साहब को हमने आवेदन दिया है, DM साहब से फोन पर भी बात हुई, DM साहब ने कहा, पहले वाले DM ने कहा कि हमने भेज दिया है जांच करने के लिए DO सिवान को, DO सिवान ने कहा कि हमने DPO सिवान को भेज दिया है, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट न सरकार को गई न हमको मिली, और वो आज तक ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है। क्या मांग करेंगे सिवान के जिला अधिकारी और सरकार से? मैं सिवान के जिला अधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से मांग करूंगा कि जालसाजी फरेब नियमों के उल्लंघन के आरोप में समुचित इन पर कार्रवाई की जाए और सरकार को कुलाधिपति को लिखा जाए, इनके संबंध में विश्वविद्यालय और कुलाधिपति को लिखा जाए, ताकि इतनी प्रतिष्ठित महाविद्यालय की जो प्रतिष्ठा है वह बची रहे, अदरवाइज ये केवल खाने पीने का साधन हो गया है, लड़कों से पैसे वसूले जाते हैं। अभी इस साल सुन लीजिए, इस साल नीट से एडमिशन हुआ है, विगत वर्ष नीट से एडमिशन हुआ है, उसमें स्टेट का कोटा तय था, सेंटर का कोटा तय था, वहां क्या किया गया कि सेंटर के कोटे में स्टेट के कोटे में जो लड़के आए उनका तो नामांकन हुआ, बाकी नामांकन जो है जिनका नाम लिस्ट में नाम भी नहीं था सबका नामांकन ले लिया गया है। कितने पैसे लेकर नामांकन लिया गया? नामांकन में पैसे लेने की बात है 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000 लेकर नामांकन हुआ है। किसके द्वारा लिया जाता है ये सब पैसे? ये पैसा प्राचार्य और उनके एजेंटों के द्वारा लिया जाता है। हम FIR दर्ज करने के लिए तैयार हैं, अगर पुलिस रेडी है तो हम तैयार हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास है कि रिकॉर्ड में इन्होंने जालसाजी किया है, 467 का 420 का केस ऑलरेडी बनता है। जब माननीय व्यासदेव प्रसाद जी मंत्री नहीं थे तो उस समय ये कार्यवाही भाई में लिख देते हैं कि माननीय मंत्री व्यासदेव प्रसाद जी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जबकि सरकार ने हमको RTI में सूचित किया है कि उस समय ये मंत्री नहीं थे, 13 अप्रैल को मंत्री हुए और 8 तारीख को ही लिख देते हैं कि राज्य मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। क्या लगता है सिवान DM साहब को न्याय मिलेगा? सिवान के DM साहब अगर कार्रवाई करें तो जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन मेरा एक ही आग्रह होगा कि इंक्वायरी जब भी कराएं तो किसी मजिस्ट्रेट से कराएं, योग्य मजिस्ट्रेट से,
ईमानदार मजिस्ट्रेट से, अदरवाइज अगर वो दे देंगे शिक्षा विभाग को, चिकित्सा विभाग को, तो सारा विभाग खरीदा जाएगा, मेरी पूरी मेरा पूरा विश्वास है। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यह है कि अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट में एक रिट दायर करूंगा और इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा। यह बात सही है, यह भी सही है कि जब हमने इनको सस्पेंड कर दिया उसके 4 महीने के बाद इन्होंने हम पर झूठा मुकदमा कोर्ट में कर दिया है, झूठा फौजदारी मुकदमा कर दिया है और वाद भी लंबित है। जब हमने सस्पेंड कर दिया इनके ऊपर इंक्वायरी कमिटी बट गई और बेल देते समय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने ये ऑब्जर्व किया है कि जब इनसे शोकॉज किया गया, जब इनको सस्पेंड कर दिया गया, जब यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी कमिटी बना दी, जब यूनिवर्सिटी ने इनके जगह पर दूसरे को बाहर कर दिया, तब यह केस किया गया है, इसलिए संदेहात्मक है, हम इनको बेल पर रिलीज कर दिए। केस चल रहा है, खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद भी आप अपने वाहन पर इसका बोर्ड लगाकर चलते हैं। सिर्फ यही आरोप नहीं है, आरोपों का तो बिल्कुल लाइन लगा हुआ है डॉक्टर प्रसाद पाठक जी के द्वारा। और जब से हमारे यहाँ 2008 में वो हमारे महाविद्यालय से विश्वविद्यालय के द्वारा सचिव पद से हटाए गए, तब से लेकर के आज तक वो इस महाविद्यालय से और महाविद्यालय के प्राचार्य से वो मतलब हर तरह का कंप्लेन, जिसकी कोई आप ये नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि CCIM के मेंबर आप नहीं हैं और आप बोर्ड लगाते हैं, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर प्रभुनाथ पाठक क्या हैं, CCIM को जानते हैं अच्छी तरह, भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन होता है वह मान्य होता है। बिना जाने हुए बिना समझे हुए किसी पर कोई आरोप लगा देना यह बहुत गलत बात है। और दुनिया में किसी को कुछ नहीं पड़ी है, लेकिन डॉक्टर प्रभुनाथ पाठक को चिंता है कि मैं बोर्ड लगा करके घूमता हूँ। उनको यह पता होना चाहिए कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद डिजॉल्व नहीं हुई है। हाँ, एक नोटिफिकेशन ज़रूर हुआ है और उस नोटिफिकेशन में जो गजट है, वो गजट के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि वो NCIM CCIM NCIM का गठन हुआ, लेकिन CCIM अभी काम कर रही है। और उस गजट के अनुसार जो ये कमीशन बना, कमीशन और काउंसिल में अंतर होता है। कमीशन स्थाई होता है और काउंसिल अस्थाई होता है। तो अभी ये काउंसिल हमारी भंग नहीं हुई है और भंग नहीं होने के चलते हम लोग अभी भी मेंबर हैं। हम लोगों के पास कोई इस तरह की कोई सूचना अभी तक नहीं आई है कि आप मेंबर नहीं रहे या काउंसिल भंग कर दिया गया। गजट हुआ उसका, लेकिन अभी काउंसिल भंग होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ हम लोगों के पास। यदि नोटिफिकेशन हो गया होता तो मैं आपको बता दूं कि आप देखें, ये 4/12 की चिट्ठी है जो सेक्रेटरी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा निर्गत की गई है। दूसरी चीज़ है कि वो कहते हैं कि आप अभी आप लोग मेंबर नहीं हैं। तो मैं इस क्रम में यह आपको प्रमाण देना चाहूँगा, एक मिनट, मैं आपको देता हूँ, उसका प्रूफ दूंगा। अभी तक अप टू डेट कंटिन्यू हम लोगों के बारे में लिखा गया है कि आप मेंबर हैं, और बिहार का मेंबरशिप का जो लिस्ट है उस लिस्ट में जो पहले मेंबर थे उनमें लिखा गया है ड्यूरेशन इस तारीख से इस तारीख तक, लेकिन हम लोग अभी भी कंटिन्यू है। मैं आपको वो लेटर दूंगा, प्रमाण दूंगा। सर, आरोप है कि आपके खिलाफ MLC टुन्ना पांडे, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, रमेश सिंह कुशवाहा, हेम नारायण सर लगातार कंप्लेन किए, जिसके बाद आपको सस्पेंड भी कर दिया गया था। यह गलत बात है, उसके कारण मुझे सस्पेंड नहीं किया गया था। टुन्ना पांडे हों, चाहे हमारे श्याम बहादुर सिंह जी हों या कोई भी हो, कंप्लेन इनका काम है। ये जाते हैं, उनसे पैड मंगा के टाइप कराते हैं, अनर्गल कंप्लेन करते हैं, दस्तखत कराते हैं, और इनका एक ही मुद्दा है कि इस कॉलेज को किस तरह डिस्टर्ब किया जाए, प्रिंसिपल को डिस्टर्ब किया जाए। आपको मैं एक घटना बता दूं कि
एक बार इसी तरह आपस में कुछ हम लोगों को ये हुआ किसी काम के लिए हमारे ऊपर दबाव डाले अनावश्यक गलत बात के लिए कि किसी टीचर का वेतन बढ़ा दीजिए और सबका छोड़ दीजिए। हम इस पर जब अड़े, हमारे शिक्षक लोग भी हैं जानते होंगे इस चीज़ को, तो उन्होंने इस तरह कार्रवाई की। लेकिन उनको यह ज्ञान नहीं था कि सेक्रेटरी को कोई अधिकार नहीं है प्रिंसिपल को सस्पेंड करने का कभी भी। और उसमें एक शब्द लिखा हुआ था जो यूनिवर्सिटी का एक्ट है, वो उनके समझ में नहीं आ रही थी बात। उसमें ये है कि आप कंसेंट से कर सकते हैं, किसके कंसेंट से, फुल पूरी गवर्निंग बॉडी के कंसेंट से कर सकते हैं। उन्होंने तो गवर्निंग बॉडी का कंसेंट लिया नहीं, अपना पावर दिखाया, सस्पेंशन की चिट्ठी निकाले, फल ये हुआ कि उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। गवर्नर हाउस से मेरा सस्पेंशन बरकरार मैंने टूट गया और उसमें लिखा गया था कि डॉक्टर त्रिपाठी पूर्व की भांति प्राचार्य रहेंगे। उसने भी तो आरोप लगाया कि गवर्नर के सचिव को आप पैसे देकर ये इस तरह का। देखिए अब हम क्या बताएं उनकी, हम तो यही कहेंगे कि मानसिक असंतुलन खो चुके हैं। वो तो ये भी आरोप लगाए होंगे, आप लोगों से कहे होंगे, शायद आपको पता होगा कि डॉक्टर त्रिपाठी ऐसी हस्ती हैं जो जज को खरीद लेते हैं, सरकार को खरीद लेते हैं। तो मैं जब इतनी बड़ी हस्ती हूँ तो ये तो पागलपन कहा जाएगा उनका। वो तो मैंने मानसिक अपना ये खो चुके हैं, इसका अर्थ है। ऐसा कहीं होता है क्या कि हम इतना सर्वोपरि है कि हम जज को खरीद लेंगे, हम गवर्नर को खरीद लेंगे, हम मुख्यमंत्री को खरीद लेंगे? इस तरह की ओछी हरकत करना शोभा नहीं देती है ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को। एडमिशन में भी पैसे के लेन देन की बातें का आरोप, इसको प्रूफ करें। अब तो इसका हर चीज़ का जवाब होता है ना, प्रूफ करेंगे तो माना जाएगा इस चीज़ को। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि मैं उनके कंप्लेन से अब इतना तंग आ चुका हूं कि हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है कि कोई बात प्रमाणित नहीं होती है, सच्चाई उसमें नहीं रहती है, तो मैं निकल जाता हूं। लेकिन उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि इनकी प्रतिष्ठा को हम धूमिल करें और इनको हम ये करें। आपको बताएं, मैं हमारे PhD पर, हमारे BMS पर, हमारे डेट ऑफ बर्थ पर लिखित कंप्लेन उन्होंने किया है और उस चीज़ को हर चीज़ का जांच हुआ, सब सही पाया गया। लेकिन मैं साइलेंट हो गया, चुप हो गया, इसलिए कि चलो क्या करना है। नहीं तो मैं चाहूँ तो आज भी मनहानी का केस कर सकता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि महाविद्यालय के ऊपर, महाविद्यालय के द्वारा एक गवन का केस किया गया है उनके ऊपर, और जिसका केस नंबर मैं आपको दे दूँगा, मेरे पास है जो अभी ये वर्तमान में चल रहा है केस यहाँ, और इसका नंबर है, PhD 1305 है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ अनुराग मिश्रा के यहाँ केस चल रहा है। और यह केस अंतिम स्थिति में है, सारे गवाहों की गवाही हो चुकी है, उन पर ले लिया गया है एक्शन, और कोरोना के चलते चूंकि हियरिंग नहीं हो रही है इसलिए अभी बचे हुए हैं, वरना अभी जेल में होते हैं। एक आखिरी सवाल सर, उनका एक आरोप है कि 67 वर्ष उम्र एक निर्धारित की गई है, लेकिन आप अपने फायदे के लिए 70 वर्ष पारित करवा रहे हैं प्रस्ताव डालकर, और साथ ही अपने बेटे को भी अगला प्रिंसिपल के तौर पर तैयार कर रहे हैं। ये तो मूर्खता वाली बात है सर। अभी सब बात देखिए, ये आप लोग भी सुनते हुएगा तो आप लोगों को हंसी आती होगी कि किस पागल से पाला पड़ गया है इस तरह की बातों को ही करके। और मैं तो कह रहा हूँ कि अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, अब इतना हद हो गया है कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको घर से घसीटूंगा और मैं केस उनके ऊपर करूँगा, इसका मानहानि का केस करूँगा, और उनको समझ में आ जाएगी कि किससे पाला पड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी तुरंत वहाँ दवा कीजिए कि ये कि देखिए इस तरह की बात आप करते हैं, मैंने बचपना वाली बात जिसका कोई भी नहीं है, ये बहुत गलत बात है, आपको नहीं करना चाहिए, आप लोग इसका विरोध कीजिए, समझे ना।